हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर एनुअल ग्रामर कोर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स, चैप्टर नंबर 7, टेंसेस। ठीक है, आज से आपका एनुअल कोर्स यानी फाइनल एग्ज़ाम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो चैप्टर नंबर 7 से आना है। तो द चैप्टर इज टेंसेस। चैप्टर है क्या आपका? टेंसेस है। टेंसेस मीन्स होता है, टेंस का मतलब होता है टाइम या समय या कुछ भी, टाइम बोला जाता है। अब टेंसेस आपने पढ़ रखे हैं, इससे पहले भी पढ़े होंगे। टेंस होता क्या है? टेंस होते हैं, मेन टेंस होते हैं आपके, थ्री टेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जो टाइम जो चलता है वो है प्रेजेंट, और जो निकल गया, जो यानी जो टाइम निकल चुका है उसको बोलते हैं पास्ट, और जो आने वाला टाइम होता है उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसी तरह से टेंसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर। टेक टर्न्स विथ योर पार्टनर टू टेल ईच अदर और डिफरेंसेज बिटवीन द टू पिक्चर्स। दोनों में ये तो ऐसे ही बताया, इसमें कुछ खास नहीं है। पिक्चर्स में डिफरेंस बताने के लिए दिया गया है। ये तो है आपका एनिमल्स का है, ये वाटर हैं, ये वाले बर्ड्स हैं, और ये एनिमल आते हैं। एक्शन वर्ड सच एज स्विम एंड फ्लाई। ये स्विम और फ्लाई क्या है? यहाँ एक्शन वर्ब, यानी सबसे पहले आपको टेंसेस एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ वर्ब के बारे में बताया गया है। और वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग आती हैं? आपकी टेंस के अकॉर्डिंग आती हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। ये वर्ब्स होती क्या हैं? जो हमें किसी पर्सन के समथिंग, पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में और थिंग के बारे में बताती हैं। लेकिन ये वर्ब हम जब यूज किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो आपका ये चैप्टर है। ठीक है, अभी तो थोड़ा और यहाँ वर्ब्स के बारे में। मोस्ट वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, यानी ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वर्ब्स के थ्रू, तो हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। ईटिंग, स्लीपिंग या फिर गोइंग, जो भी काम है, खाने का, सोने का, पीने का, जो ये वर्क करते हैं वो हमें क्या बताता है? वर्ब बताती है। ठीक है, दे टेल अस वाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज। वर्ब्स ऑल्सो टेल अस वाट अ पर्सन और थिंग। वर्ब ही हमें यही बताती हैं काम, यानी क्या कर रहा है एक इंसान, जो है एनिमल या थिंग क्या कर रही है। वैन वी फॉर्म टेंसेज वी यूज हेल्पिंग वर्ब। जब हम टेंस का, अब बताया ना यहाँ टेंस का जब हम यूज़ करते हैं, तो ये तो होती हैं जो स्लीपिंग, ईटिंग या फिर गोइंग, जो भी है, गो, कम, ये सारे होती हैं वर्ब, लेकिन इनको बोलते हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, लेकिन जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसके साथ जो वर्ब यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। टेंस के साथ कुछ वर्ब और यूज होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सारी वर्ब हैं क्या? इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये सब हम यूज़ करते हैं अलग अलग टेंस में, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एज वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल। अब यहाँ बहुत तरह की वर्ब्स हैं जो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग हैं। मेन है वर्ब क्यों दिए? क्योंकि आप टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को अलग समझ पाओगे। वर्ब्स मे बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस दैट डिस्क्राइब्स एवरी डे एक्शन, यानी हर दिन का एक्शन। प्रेजेंट में मतलब है जो अभी चल रहा है, उसमें वर्ब क्या काम कर रही है उसको बताती है। एवरी डे एक्शन, द क्लाउड्स सेल। अब जो है यहाँ पर बताया, देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में भी आपका सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, जैसे क्लाउड्स था, यहाँ तो सिंपल वर्ब आ गई, लेकिन एक क्लाउड होता, एस नहीं होता, ये वाला हम एस नहीं लगाते, ये एस है जो इसमें, तो क्लाउड हो जाता। क्लाउड के साथ, यानी सिंपल प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट में दो तरह से वर्ब यूज़ होती हैं, प्लूरल के साथ तो सिंपल वर्ब आती है। ठीक है, जो प्लूरल कोई सेंटेंस है, जैसे ही गो, सपोज करिए ही गो, ये हो गया आपका प्लूरल, यानी सिंपल टेंस में ही, वही तो सिंगुलर है, लेकिन ही गो नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं, तो ही गो नहीं हो सकता, क्योंकि ही गोज होगा, ही तो सिंगुलर है, रूल है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का, कि सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस वर्ब में लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है, जैसे दे है, वी है,
तो इनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सिंपल वर्ब का फॉर्म आता है। ठीक है, ये हो तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस, प्लूरल में कुछ नहीं लगाते, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंपल वर्ब रहता है। ठीक है, नेगेटिव में प्लूरल में डू नॉट और आपका सिंगुलर में डज नॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी टाइम जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो काम वर्किंग में है, जो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी वो काम चल रहा है, जो जिस काम में चलना होता है, कंटिन्यूटी होती है, उसमें आईएनजी भी मिलाते हैं। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिक्स करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही के साथ इज है, शी के साथ भी इज आता है, और प्लूरल के साथ जैसे दे है, वी है, तो उसके साथ आर आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। ठीक है, ये आता है, एम आता है आपका आई के साथ, और वर्ब की जो मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी मिलाते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज आ गया, गोइंग गो में हमने आईएनजी मिक्स कर दिया, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, द वर्ड्स आर, वर्ड्स हैं यानी प्लूरल हैं, ज़्यादा है चिड़िया, आर आया क्योंकि प्लूरल के साथ आर आता है, और फ्लाई, ये है फ्लाई आपका, ये हो गया फ्लाई, फ्लाई में हमने मिला दिया आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो द वर्ड्स आर फ्लाइंग, क्योंकि ये प्लूरल था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब्स में भी इन सिंपल पास्ट टेंस, कुछ वर्ब पास्ट टेंस में आती हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हम कैसी वर्ब लगाते हैं, पास्ट टेंस में लगाते हैं हम वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। द स्वान स्वयं विद द सिग्नेट, स्वान किसके साथ स्वयं करता है, पास्ट यानी स्विम की सेकंड फॉर्म है, ये स्विम मींस तैरना, तो स्वयं हो गई इसकी पास्ट फॉर्म। पास्ट टेंस में हम पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। वर्ब में भी इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आ सकती है, उसमें क्या आता है, सिंपल फ्यूचर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं शैल, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, यानी आगे आने वाला काम, और इसमें कल के लिए टुमारो लगता है, और पास्ट में कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं। वर्ब ऑल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन एनिमल थिंग इज, द काउ इज ब्लैक, यानी वो ये भी बताती हैं वर्ब्स हमारी कि पर्सन एनिमल या जगह कैसी है, उसके बारे में भी बताती हैं। द काउ इज ब्लैक, काउ कैसी है, ब्लैक है, इज है, ठीक है, इज आया है इसमें, तो प्रेजेंट में आ गया। लिलीज आर फ्लावर्स, लिलीज क्या है, फूल है। आई एम टॉल, मैं कैसी हूँ, लंबा हूँ या लंबी हूँ, तो ये पोजीशंस भी बताते हैं उसके बारे में, क्या इस किसी इंसान के बारे में, एनिमल के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, ये पोजीशंस उसके बारे में बताते हैं, तो ये भी वर्ब बताती है, लेकिन हम यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।